यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे प्रभु। विवाह एक ऐसा बंधन होता है जो न केवल दो लोगों को बल्कि दो परिवारों को भी आपस में जोड़ता है। ये जीवन भर का साथ है जो दो लोग मिलकर निभाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और ये काफी हद तक सटीक भी होता है। कई जातकों की कुंडली में प्रेम विवाह मौजूद होता है। वो कौन सी स्थितियां होती हैं जो प्रेम विवाह के लिए जिम्मेदार होती हैं, ये सब जानेंगे हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी से। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल हम जानेंगे गुरुदेव से। तो गुरुदेव, सबसे पहले ये बताइए, लव मैरिज के लिए कुंडली का कौन सा भाव और ग्रह देखा जाता है? तो यहाँ अंजलि, मैं सबको पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ऋषि मुनि थे, बहुत देर उन्होंने तपस्या करी, सब देवता प्रसन्न थे, सब देवता भी उनके आगे नतमस्तक हुआ करते थे, तो बहुत सारी शक्तियों को उन्होंने प्राप्त किया। तो लेकिन तपस्या करते करते बुढ़ापा आ गया, पर पुराने समय के अंदर जीवन ही हजारों सालों का हुआ करता था, तो बुढ़ापा भी सैकड़ों सालों का तो शायद होगा ही। तो ऐसी अवस्था में अब उन्होंने, ऋषि मुनि ने सोचा, मैं शादी क्यों करूं? कहते कोई बच्चा गोद ले लूं, तो बच्चा कहां से लेने जाए। तो उन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा वहीं पर पहाड़ पर खेल रही एक चुहिया को एक लड़की का रूप दे करके उसको अपनी बिटिया बना लिया। ठीक है, अब वो बिटिया साथ में रहने लगी, वो धीरे धीरे करके बड़ी भी हुई। अब ऋषि मुनि, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी, बहुत ज़्यादा शक्तियों वाले और देवताओं की कैटेगरी में आ चुके ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने क्या करा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने उसका स्वयंवर रचाया और सारे देवताओं को भी बुलाया, अच्छे अच्छे पराक्रमी लोगों को भी बुलाया और कहा, अब स्वयंवर में लेकिन लड़की की चॉइस चल रही थी, क्योंकि वो ऋषि मुनि की बेटी थी और वो बहुत पावरफुल थे। अब उन्होंने सारे देवताओं को भी देखा, बाकी पराक्रमी धरती के इंसानों को भी देखा, सबको रिजेक्ट कर दिया। तो वहाँ देवताओं ने सलाह दी, कहते प्रभु ये जहाँ से आई है इसको वर भी वैसा ही चाहिए। तो ऋषि मुनि को समझ आया, तो उन्होंने क्या करा, एक चूहे को राजकुमार का रूप दिया, सामने खड़ा किया, उस लड़की को फौरन वो पसंद आए और उन्होंने वरमाला डाल दी। ठीक है जी। तो अब ये मैंने क्यों कहा है, प्यार भी ऐसे ही होता है। जो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, आज आपको उसका मतलब समझाता हूँ। जोड़ी ऊपर से बनने का मतलब ये है कि अगर सूर्य पांचवें स्थान पर बैठा हो तो ये भी लव मैरिज कराता है, लेकिन बहुत ही लॉजिकल के साथ। अगर लड़की की कुंडली में बैठा हो तो उसे लॉजिकल लड़का चाहिए, और अगर लड़के की कुंडली में बैठा है लॉजिकल लड़की चाहिए। चंद्रमा भी लव मैरिज करवाता है, तो इमोशनल को ढूंढता है, इमोशनल कि अगर इमोशनल सामने मिला, क्योंकि चंद्रमा इमोशन का कारक है, तो फौरन चंद्रमा शादी कराता है पांचवें घर में बैठा हुआ। अगर वहां मंगल बैठा हुआ है तो मंगल यहां पर उदंडी है, सूर्य के घर में आकर के खास तौर पे बहुत ही कलाएं दिखाने वाला है, तो ऐसे इंसान को जीवन साथी वो पसंद आता है जिसमें बहुत सारे गुण हो, उसको कम गुणों वाला पसंद ही नहीं आता। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में लव मैरिज इंसान करता है और बहुत ही काबिल इंसान के साथ, जिसके अंदर 16 कला संपूर्ण की तरह ये कहा जाता है, लेकिन वो तो श्री कृष्ण जी रहे, नहीं हो सकता, लेकिन जिसमें ज़्यादा ज़्यादा कलाएँ। बुध, यहाँ पर बुध भी लव मैरिज कराता है, लेकिन जिसके अंदर बिजनेस की बुद्धि हो, त्याग की भावना हो और अपनों को सहेज के रखने की जिसमें आदत हो, उसके साथ जुड़ के कराता है। बृहस्पति जो ज्ञान का कारक, यहाँ पर ज्ञानी ज्ञानी को ढूंढता है, यानी टीचर टीचर को ढूंढता है, तो बृहस्पति पांचवें घर का लव मैरिज करवाता है। और शुक्र एक नंबर का सुंदरता का पुजारी, लग्जरीज को चाहने वाला, और जो कांतिवान, बहुत ही सुंदर दिखने वाला और हर वक्त एनर्जेटिक रहे, शुक्र को शुक्र से उससे अट्रैक्ट करवाता है। और शनि खुद भी नीरस, सामने भी नीरस को ढूंढता है। राहु खुद भी टेक्निकल, सामने टेक्निकल को ढूंढता है।
और केतु या तो बहुत प्यारा या टेंशन देने वाला, टेंशन लेने वाला खुद भी और टेंशन देने लेने वाला जीवन साथी भी दो। तो इसीलिए कहते हैं जोड़ी ऊपर से बन के आती है, क्योंकि जो हमारे अंदर भाव है हम उसको ढूंढ ही लेते हैं। जैसे एक क्रिमिनल बड़े आसानी से क्रिमिनल को ढूंढ लेता है, एक साधु बहुत आसानी से साधु को ढूंढ लेता है, एक अच्छा गृहस्थी वाला एक अच्छे गृहस्थी वाले को ढूंढ लेता है, और एक बुरा गृहस्थी वाला बुरे गृहस्थी वाले को बड़े आराम से ढूंढ लेता है, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहा जाता है। तो इसीलिए हमारी ऊर्जा सामने वाले को खींचने का काम करती है, ढूंढने का काम करती है। हमारे अंदर जिस प्रकार की ऊर्जा है उसी तरह की चीज़ें हमें मिलनी है। हमारे ऊर्जा जो बाहर निकलती है वो सही में बाहर नहीं निकलती, वो अपने जैसा ढूंढने के लिए निकलती है, और इसीलिए अपने जैसे अपने पास आ ही जाते हैं। तो चाहे रिश्ते हों वो भी लव मैरिज है, और ये आदमी औरत का जोड़ा ये भी लव मैरिज है, ठीक है। तो सही मायने में ग्रह ग्रह से लव करता है, इंसान इंसान से नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है गुरुदेव, एक कहानी के जरिए जो दर्शकों को जरूर समझ में आया होगा। आपकी लव मैरिज को खुशहाल कैसे बनाया जाए ये सब हम जानेंगे गुरुदेव से, लेकिन उससे पहले हम अपने आज के राशि फल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी शुभ है। आज आप अपने सारे कामों को पूरा करने की पूरी ऊर्जा अपने अंदर समेटे हुए हैं, और कार्यों में सफलता भी अर्जित करेंगे, और परिवार के साथ में भी हर तरह से सुख और सहयोग से दिन बीतेगा। आज के दिन सुबह सवेरे पानी का एक कुंभ अपने घर के मंदिर में स्थापित करके तब काम पे निकलिए, सफलता और अच्छी मिलेगी। वृषभ राशि के वो बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं या वो बच्चे जो कंपटीशन लड़ने वाले हैं, उन सबके लिए दिन बहुत उत्तम है, और आज के दिन आपको दूसरों से हर प्रकार की सहायता मिलेगी और हर तरह का सुख और सहयोग इसकी अनुभूति होगी। तो सुबह सवेरे मंदिर में परमात्मा के दर्शन करें और दिन की शुरुआत करें। मिथुन राशि वालों की आज सोच ही उनका इतना साथ देगी कि वो सुबह सवेरे से ही कोई अच्छे और उत्तम कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे, और कोई ना कोई दान पुण्य किसी न किसी का सहयोग भी करेंगे, और दूसरों का साथ भी मिलेगा, और हर तरह से उत्तम दिन की शुरुआत होगी जो अंत तक बनी रहेगी। चांदी अपने शरीर पर धारण करके रखें या चांदी अपनी जेब में रखें, दिन और उत्तम होगा। गुरुदेव, अक्सर देखा गया है कि लव मैरिज के लिए घर से मंजूरी नहीं मिलती है, तो ऐसे में लोग घर से भागने जैसा कदम तक उठा लेते हैं, तो क्या घर परिवार से बागी होने के पीछे भी कोई अशुभ ग्रह जिम्मेदार होते हैं? जब जन्म कुंडली के अंदर जिस घर को यानी जिस ग्रह को माफ कीजिए 12वीं राशि और तीसरी राशि, यानी कहने का मतलब तीसरे घर के अंदर जो राशि हो उसका मालिक भी वही ग्रह हो, और 12वें घर के अंदर भी उसी की राशि हो, जैसे मैं कन्या और मिथुन को लगा लेता हूँ, इनके मालिक बुध हैं, ठीक है। ऐसी अवस्था में मान लो जन्म कुंडली के लॉ के हिसाब से बुध खराब है, तो अगर ये जन्म कुंडली के पांचवें घर में बैठे हुए हैं तो पांचवें घर से ये प्यार करवाएंगे, और 12वां और तीसरा घर लगने की वजह से बेटा ये घर से भाग के शादी करवाएंगे, क्योंकि बुध यहाँ खराब था, और अगर यहाँ पर ये खराब होता है तो वो भाग के भी जाएंगे और बाहर ही रहेंगे, कभी वापस नहीं आएंगे और वापस रिश्तों के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, इस तरह की ये शादी करवाता है। और रियलिटी के अंदर मैंने अभी तुम्हें बताया बेटा कि हर ग्रह लव मैरिज करवाता है, ठीक है। इसीलिए किसी एक ग्रह को डिफाइन करना और एक ही ग्रह पर आरोप मढ़ देना कि इस ग्रह की वजह से ये काम खराब हुआ है, ये उचित नहीं लगता। ये अपनी अपनी जन्म कुंडली के अंदर आप अगर जानना चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस डालिए, और वहाँ पर मैरिज सेक्शन के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, ये आपको वहाँ से बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, और किस ग्रह की वजह से है ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए ये ऐप ज़रूर आप डाउनलोड करिए जिसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं, वहीं पर आपकी आधी परेशानी का समाधान आपको मिल जाएगा। अब बारी है कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हुए, जानते हैं उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि वालों के लिए आज दोनों ही हाथों में लड्डू है। अगर किसी के यहाँ खुशी में सम्मिलित होने जाना है तो आज आपका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, और आज कोई आप बहुत ही खास कार्य करने के लिए घर से निकलने वाले हैं तो उसमें भी सफलता है, तो हर तरह से दिन उत्तम रहने वाला है। तो सुबह सवेरे परमात्मा के दर्शन करके शुरुआत करें ताकि और शुभता प्राप्त हो। सिंह राशि
सिंह राशि के वो लोग जो आज मंदिर या तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, उनका तो दिन शुभ है ही। और वैसे भी किसी भी तरह की परीक्षा, प्रतियोगिता, कोई भी सकारात्मक काम, पॉजिटिव विजन के साथ में जो भी कुछ आज आप करेंगे, उसमें हर तरह का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और सफलता भी प्राप्त होगी। तो इसीलिए मंदिर जरूर जाए आज। कन्या राशि, कन्या राशि के वो लोग जो आज अपने बड़ों से, अपने टीचर से किसी भी तरह की गाइडेंस लेकर के कार्य को करने वाले हैं, उनके लिए दिन बहुत उत्तम है। वैसे भी नॉर्मल अच्छी हंसी खुशी का दिन है, लेकिन आज सलाह लेकर के करने वाले जितने भी कार्य हैं, उनके अंदर खास तौर पे आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। सुबह थोड़े से फूल मंदिर में अर्पित करें ताकि और अच्छे आइडियाज पे आप काम कर सकें। गुरुदेव, आपने बता तो दिया कि लव मैरिज अगर नहीं होती है या फिर होती है तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई ऐसा दोष होता है या फिर फेवर में भी होता है कुंडली में कोई ना कोई ग्रह। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि किसी दो व्यक्ति का प्रेम तो होता है लेकिन बात विवाह तक नहीं पहुंच पाती, ये किस दोष की वजह से होता है? मैं बताता हूँ। जन्म कुंडली के छठे और आठवें घर को काफी अशुभ माना जाता है, ठीक है। जब छठे और आठवें घर से संबंधित कोई ग्रह या नौवें घर से संबंधित कोई ग्रह या दसवें घर से संबंधित कोई ग्रह, यानी कि 6, 8, 9, 10 इन ग्रहों से संबंधित ग्रह जब पांचवें घर में बैठ कर के लव यानी कि प्यार करवाता है, तो इसमें ज़्यादातर छठे और आठवें घर का हो और या दसवें घर का हो तो टूटने के कगार ज़्यादा होते हैं कि स्वेच्छा से खुद ही टूट जाता है। और अगर नौवें घर से संबंधित ग्रह हो और वो जन्म कुंडली के पांचवें घर में बैठा हुआ हो तो परिवार की इज्जत के लिए एक बच्चा स्वेच्छा से अपने प्यार का बलिदान कर देता है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, इसी के लिए मैं कह रहा था कि अगर इस चीज़ को आपने जानना है तो एस्ट्रो साइंस ऐप को डाउनलोड करके डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के अपने मैरिज सेक्शन पे जाकर के आप देख सकते हो कि आपका प्यार कैसे रहेगा। और अब आगे बढ़ते कार्यक्रम में और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि के लोग आज आत्मविश्वास से भर करके कार्य करने वाले हैं और रिश्तेदारों के यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और आज के दिन में शुभ फलों की प्रधानता है। तो आप जो भी आज काम अपने हाथ में लेंगे उसके शुभ फल आपके आगे आएंगे। तो इसीलिए थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री या पतासे मंदिर में देके शुरुआत करें ताकि शुभता और बढ़े। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बड़ा खास दिन है। जो भी किसी भी प्रकार के काम जो मुश्किल कहे जाते हैं, अगर वृश्चिक राशि के लोग आज के दिन उन कार्यों को करेंगे तो उनके सृजनात्मक रिजल्ट आएंगे और हर तरह से उत्तम हालात बनेंगे, यानी कि परिवार या अपने फंसे हुए कामों को करना और उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट पाना आज आपके नसीब में है। तो ज़रूर करें, सुबह सवेरे केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगा करके निकले, दिन और शुभ होगा। धनुराशि के लोग आम दिनों की तरह अपने काम करते चले जाएंगे जिसके अंदर कोई बाधा कोई तकलीफ नहीं होगी, हर तरह से काम पॉजिटिव भी रहेगा। अचानक एक कोई ना कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है, ये स्पेशल दिन है आज आपके लिए। तो ऐसी अवस्था में कुछ भी लड्डू मीठा मंदिर में चढ़ाएं ताकि खुशखबरी और बड़ी हो सके और आप एक और अच्छा दिन बिता सकें। गुरुदेव, अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, लव मैरिज तो हो गई, शादी हो गई, प्रेम विवाह हो गया, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी में अनबन ज़्यादा होना शुरू हो जाए और उनका तालमेल ना बैठे, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई उपाय है जिससे दोनों के बीच में जो प्यार है वो हमेशा बना रहे? इसमें दो चीज़ें। पहली चीज़ क्या है कि शादी होना, लव मैरिज होना, ये एक अलग थिंग है, ये जन्म कुंडली का पाँचवा घर है, लेकिन पति पत्नी के बीच में बनना ये दूसरे और चौथे घर के बीच में देखा जाता है, क्योंकि परिवार की वजह से भी ये प्रॉब्लम में पड़ती हैं। मान लो माँ की वजह से, बहन की वजह से, भाई की वजह से, पिता की वजह से, किसी की वजह से भी पड़ सकती है। तो जन्म कुंडली के दूसरे और चौथे घर के अंदर जो पापी ग्रह होते हैं ये लड़ाइयाँ करवाने का काम करते हैं। और इसीलिए हमारे संस्कारों में एक और चीज़ बनी, जब शनि मंदिर भी नहीं हुआ करते थे तब भी हमारे यहाँ सरसों के तेल का दान करने का मुंह दे करके विधान हुआ करता था। तो पापी ग्रह शनि के ही जो नुमाइंदे हैं वो है राहु और केतु,
तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर घर के अंदर कलेश रहता है, आपस में नहीं बनती है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है, तो ऐसे में शनि की एनर्जी को दूर किया जाता है और सरसों का तेल हर शनिवार को मुंह देकर के दान दिया जाता है। एक दूसरी बड़ी बात, बृहस्पति दूसरे घर में बहुत बढ़िया होते हैं, तो हमारे यहाँ शादीशुदा महिला को बृहस्पति वार का व्रत बताया जाता था और साथ में पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाने के लिए कहा जाता था बृहस्पति वार को, जिसको आज दुनिया ढकोसला बताती है। और जबकि रियलिटी ये है कि पीपल को कच्चा पीला सूत लपेटने से बृहस्पति और बुध दोनों के गुण पॉजिटिव वाले मिलने के कारण इंसान डिप्लोमेटिक वे में हर सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाता है, खासतौर पर औरत, जिसकी वजह से घर के अंदर कलेश बंद हो जाते हैं। ये एनर्जी पीपल के पेड़ को सूत लपेटने से ही प्राप्त होती है, पीला कच्चा पीला सूत लपेटने से। तो इसीलिए आज भी चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, अगर आप के घर पे कलेश है तो शनिवार को सरसों के तेल का दान और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत रख करके पीपल के पेड़ को कच्चा पीला सूत लपेट करके अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में सुख शांति की लगभग गारंटी सी हो जाती है और परमात्मा की पूरी कृपा आपके वैवाहिक जीवन पर बरसती है। गुरुदेव, आपने पीपल के पेड़ का बताया कि बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो पीपल के पेड़ का पूजन करें, लेकिन कई लोग कहते हैं कि केले के पौधे का भी या केले के पेड़ का भी पूजन होना चाहिए, तो जिन लोगों के पास पीपल का पौधा या पेड़ ना हो तो वो केले के पौधे से पूजा कर सकते हैं? मैं इसको साइंटिफिक वे में समझाता हूँ। जो केले का पेड़ है, केले के पेड़ के पास से ऊर्जा वो निकलती है जो एक आइडिया देती है, ठीक है। पीपल के पेड़ में से जो ऊर्जा निकलती है वो अंदर हमें स्वास्थ्य और याददाश्त देती है। याददाश्त होना एक अलग चीज़ है, आइडिया आना एक अलग चीज़ है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो आइडियाज़ आपको बच्चे कैसे रखने हैं, कैसे पालने हैं, बच्चों का अच्छा बुरा कैसे देखना, उनको गाइड कैसे करना है, अगर बच्चों के लिए आप कोई व्रत कर रहे हैं तो आपको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पति पत्नी का सामंजस्य, परिवार ससुराल परिवार के साथ सामंजस्य बनाने की बात करें, रिश्तेदारी के सामंजस्य के बनाने की बात करें, और अपना चिड़चिड़ापन और गुस्सा ख़त्म करना हो और वो जो बातों से डायरेक्ट अटैक मारते हैं उसको अगर डिप्लोमेटिक करना हो तो आपको पीपल के पेड़ की ही पूजा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। व्रत आप भले ही बृहस्पति का रखिए, लेकिन केले के पेड़ की पूजा बच्चों के लिए मानी जाएगी और पीपल के वृक्ष पर सूत लपेट करके जल चढ़ाने की प्रक्रिया पति और पति का परिवार यानी कि ससुराल के लिए मानी जाएगी। देखिए, दोनों ही डाउट क्लियर कर दिए हैं गुरुदेव ने कि बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत करते हैं तो किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और उसमें पीपल के पेड़ और केले के पेड़ का क्या महत्व है। गुरुदेव, क्योंकि लगातार बात हो रही है घर में सुख शांति की बात हो रही है, तो ऐसे में पति पत्नी और पूरे परिवार के बीच तालमेल बना रहे, प्यार बना रहे, इसके लिए घर में वास्तु के हिसाब से क्या कोई खास चीज़ किसी दिशा में रखनी चाहिए जिससे ये प्यार प्रेम बना रहेगा हमेशा? तुम्हारा ये सवाल अंजलि आज कईयों का जीवन संवारेगा। वस्तुएं तो बहुत है, लेकिन वस्तुओं से पहले मैं दिशाओं की बात करना चाहता हूँ। जन्म कुंडली का जो सातवां घर है वो होता है साउथ वेस्ट, ठीक है। और जिम्मेवारियों को समझ करके उन जिम्मेवारियों के लिए दिन रात प्रयासरत रहना, इसका स्थान भी साउथ वेस्ट, ठीक है। मियाँ बीबी के मिलन का स्थान वो होता है साउथ ईस्ट, यानी कि जन्म कुंडली का बारहवां घर बिस्तर के सुख की जगह। अगर ये दोनों स्थान घर के अंदर अच्छे हैं, सही हैं, तो मियाँ बीबी के अंदर नेगेटिविटी नहीं आ सकती, एक दूसरे से दूर रहने की प्रवृत्ति नहीं बन सकती और ये सब अच्छा रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में, यानी कि चाहे साउथ ईस्ट हो और चाहे साउथ वेस्ट हो, तो ये दो स्थान ही हैं, तो इन दोनों के अंदर बुरा कौन करता है? राहु। इनके अंदर शनि बैठा बहुत शुभ है, तो ऐसी वसा में राहु बुरा करता है। अगर आपके घर के साउथ ईस्ट के अंदर कबाड़, गंदगी, काई का लगना, पानी खराब पड़ा रहना, वहाँ रोज बर्तन धुलना, वहाँ पर रोज
कपड़ों का धुलना यानी गंदे पानी का काम होता है तो समझ लीजिए मियाँ बीवी में नेगेटिविटी पैदा होगी होगी और एक होने में दिक्कत होगी होगी और मन नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह से साउथ वेस्ट में अगर आपने बेड ही ऐसे ले रखे जिनके नीचे गंदगी जमा हो गई है, वहाँ कबाड़ पड़ा हुआ है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त सब कुछ पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर आप लगा के रखते हैं, गंदे कपड़े वहाँ रखते हैं, अगर ये सारी चीज़ें साउथ वेस्ट के अंदर है तो समझ लो मियाँ बीवी में पंगा होना ही होना है, या चाहे बीमार हो के चाहे मनमुटाव होकर। तो सही मायने में अगर मैं वस्तु की बात करूँ तो यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी का बाढ़ का होना, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह का होना, हथौड़ी कील और ये औजारों का होना, ये बहुत ही नेगेटिव रहता है मियाँ बीवी के लिए, तो पहले इसको दूर करें। दूसरा, मैंने बताया कि साउथ वेस्ट के अंदर यानी सातवें घर के अंदर शनि उच्च के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और इसके अलावा साउथ ईस्ट यानी कि जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर शनि बहुत ही उत्तम माने जाते हैं लाल किताब के अनुसार। तो ऐसी अवस्था में वहाँ डीओ, परफ्यूम, स्पिरिट और या फिर शौकिया तौर पर रखी हुई शराब की बोतलें, ये सारी की सारी चीज़ें ये मियाँ बीवी को एक करने के लिए सबसे उत्तम स्थान है। और यहाँ पर अगर ये चीज़ें रखी जाती हैं और ख़ास तौर पे खुशबू और सुंदरता से रिलेटेड चीज़ें अगर यहाँ रखी जाती हैं तो सोने पे सुहागा बनता है, और इसीलिए खुशबूदार चीज़ें आप साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट के अंदर अगर रख करके चलती हैं तो ये मियाँ बीवी के दिलों को जोड़ने का काम करता है, दूरियों को मिटाने का काम करता है, और हंसी खुशी अपना बच्चों को संभालते, परिवार और समाज को संभालते हुए जीवन व्यापन को एंड तक ले जाने का काम करता है ये शनि का उपाय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर की तीन राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि के लोग, अगर आज आप अपना प्रभाव दूसरों को जमाने के चक्कर में फेल होते ही चचड़े होने वाले हैं तो ऐसा मत करिए, बस अपने मन को सुबह सवेरे इतना समझा लीजिए कि आज आप अपना प्रभाव दूसरों पर डालने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल बातचीत करेंगे। अगर आपने अपने आप से इतना वादा कर लिया तो आपका दिन शुभ है, और खाम खाई दिखावे में उतरे अपना प्रभाव डालने की कोशिश करी तो आज आपका दिन खराब होने वाला है। इसीलिए थोड़ी सी कपूर की टिक्की मंदिर में दीजिए, दिन की शुरुआत करिए और पॉजिटिव रहिए। कुंभ राशि वालों के लिए दिन ज़्यादा शुभ नहीं है, स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कत है, धन हानि के योग हैं, दोस्तों और भाइयों के साथ मतभेद पैदा होने के दिन हैं, और बुद्धि पूरी तरह से साथ ना दे, यानी कि आज के दिन बुद्धि पूरी तरह से तार्किक ना रहे, तो इसीलिए किसी से भी बहस करने की जरूरत नहीं, आज का दिन नॉर्मल निकालिए और आराम से दोस्तों के साथ, यार दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ नॉर्मल व्यवहार के साथ दिन गुजारिए, तब शुभ रहेगा। और आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ खाने को दें और थोड़े से केले बांटें, आपका दिन शुभ रहेगा। मीन राशि के लोग, आज थोड़े स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, और स्वास्थ्य में गड़बड़ के कारण मन भी काबू में नहीं रहेगा और वो भी चिंता में लगा रहेगा, क्योंकि आप ज़रूरी काम पूरी तरह से नहीं पूरे कर पाएंगे। तो धैर्य रखिए, नई सुबह भी आने वाली है, आज मंदिर होकर के आए, कुछ मीठा चढ़ा करके आए और अपने आप को काबू में रखें। एक और सवाल है गुरुदेव कि अगर प्यार में किसी को धोखा मिले, प्यार में धोखा मिलने के पीछे क्या कोई अशुभ ग्रह भी जिम्मेदार होता है? बिल्कुल होता है, और जो कोई सोच नहीं सकता वो वाले ग्रह जिम्मेवार होते हैं जी। एक होता है कि सिर्फ धोखा मिला है लेकिन जीवन साथी के प्रति सारे फर्ज निभाए जाते हैं, और जीवन साथी के साथ में रहा जाता है, चला जाता है, लेकिन कहीं और संबंध हो जाता है, वो आदमी का भी हो सकता है, औरत का भी हो सकता है। तो ये वाला धोखा पांचवें घर से संबंध रखने वाले बृहस्पति देव, ठीक है, और ये बृहस्पति देव अपनी जिम्मेवारियों को भी समझते हैं, तो इसीलिए जीवन साथी को छोड़ते भी नहीं, लेकिन दिल कहीं और भी आ जाता है, तो ये ऐसा धोखा। तो इसको ही ठीक करने के लिए मैंने पीपल के पेड़ पर कच्चा पीला सूत लपेटने के लिए भी बोला है, चने की दाल आप दे सकते हैं, पीले फूल आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं, केसर मंदिर में चढ़ा सकते हैं, अगर ये चीज़ें मंदिर में जाती रहेगी तो जीवन साथी धोखा नहीं देता। दूसरा है शुक्र, ये तो जाना ही धोखे के लिए जाता है, और वो भी जवानी के खेल में। तो ये वाला जो धोखा है इसके अंदर जीवन साथी को आदमी धोखा भी नहीं देता, और अगर कहीं
ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो जीवन साथी को छोड़ के भी जा सकता है। ये भी जन्म कुंडली का पांचवा घर ही खेल कर पाए, क्योंकि जो शुक्र बनता है लाल किताब के अनुसार राहु और केतु को मिलाकर के बनाता है। तो अगर शुक्र खराब अवस्था में तो वो राहु प्रबल है, और अगर वो सही अवस्था में है तो केतु प्रबल है, और सही केतु प्रबल में हुआ तो ऐसे अवस्था में जीवन साथी को छोड़ेगा नहीं लेकिन दगा दे देगा। और अगर राहु प्रबल है उस कुंडली के अंदर तो ऐसी अवस्था के अंदर जीवन साथी को छोड़ के अलग भी निकल के जाएगा। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए हमारी संस्कारों के अंदर गाय की सेवा बोली गई है, और गाय की भी कौन सी गाय की, काली गाय की। काली गाय की सेवा इंसान को धोखे से बचाती है, जीवन साथी के साथ से धोखे से बचाती है। इसीलिए गाय को चरी ज्वार हरा चारा ये खिलाते रहना, आटे के अंदर गुड़ का पेड़ा लगा करके देना, ये जीवन साथी को जीवन साथी के साथ रहने की प्रेरणा देता है और साथ ही धोखे से बचाता है। तो इसीलिए गाय की सेवा और पीपल की सेवा करते रहे, जिंदगी के अंदर जीवन साथी की तरफ से कभी धोखा मिलने वाले हालात नहीं बनेंगे। तो ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच का प्रेम हमेशा बना रहे। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, धन और लाभ की प्राप्ति चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भर देगा। अगर आप हमारे गुरुदेव से अपॉइंटमेंट चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 999-999-0522। अपनी और अपने परिवार से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, हर कष्ट हर तकलीफ से राहत चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का, बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।